आप सभी का स्वागत है इस रिफ्लेक्सोलॉजी सीरीज में। ये पार्ट फोर का चैप्टर टू है। पार्ट फोर के पहले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप रिफ्लेक्सोलॉजी दे सकते हैं। ये मैंने आपको एक पैर पे करके समझाया था, आगे साइड में और पीछे साइड में। इसी तरीके से आप दूसरे पैर पे भी करेंगे और हाथों पे भी, आगे साइड में भी और पीछे साइड में भी। तो ये कंप्लीट सेशन होता है रिफ्लेक्सोलॉजी का। अगर वो पर्सन किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो पर्टिकुलरली उसी रीजन पर, उस ऑर्गेन पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। अगर उसे स्ट्रेस और एंजाइटी की इश्यूज़ है तो आप थंब वाले एरिया में दोनों ही पैर पे और दोनों ही हाथों पे ज़्यादा टाइम देंगे। इससे उन्हें रिलीफ ज़रूर मिलेगा। रिफ्लेक्सोलॉजी न्यूबॉर्न बेबी को और ओल्ड पीपल को भी दी जा सकती है। यही खासियत है रिफ्लेक्सोलॉजी की। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका पार्ट 5 भी लेकर के आएंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में या किसी बीमारी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म को भर के भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन पर जाने वाले हैं और जल्द ही बैच फ्लावर की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।